गुड मॉर्निंग मेरी टू फैमिली। सुबह सुबह नहीं, अभी दोपहर हो रहे हैं, लेकिन हर्षित के पापा ड्यूटी से आज लंच के लिए आए हैं और आने के टाइम पे चिकन लाए हैं। 2 बजे जाएंगे तो खाना खाएंगे, तो जल्दी जल्दी मैं खाना खा के चले गए और अभी हर्षित को खिला मतलब कटोरी में दिया। आज क्या खाना बनाने से मतलब स्टार्ट किया हूँ ब्लॉग, सो आप सबको तभी नहीं भूल पाई। सो वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आप लोगों को पहले वाला ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, ये वाला ब्लॉग भी कैसे लगा बताइएगा, जितना हो सके आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। और मैं चंपू हो गई हूँ, पूरा ऑयल लगाई हूँ, हेयर की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। और आज हर्षिता के पापा लंच पे आए थे तो वो चिकन लेके आए थे, तो उसी से मतलब जल्दी ज़्यादा नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा आज ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। फिर थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं, थोड़ा बहुत देना ज़रूरी होता है कुछ ना कुछ हम लोग जैसे छोटे क्रिएटर्स के लिए, तो देखते हैं और बने रहिए। और अभी मैं खाना खा लूँगी जल्दी जल्दी, देखते हैं बाद में क्या क्या होता है नहीं होता है, मैंने कोई प्लानिंग नहीं किया, जो होता है दे दूँगी। और हर्षिता के पापा भी ड्यूटी जा रहे हैं और मैं खाना खा लूँगी, बहुत भूख लगी है, 2 बजने वाला है, फिर हर्षिता को भी खिलाना होगा। चलो मिलते हैं। देख सकते हो सीते के पापा उसको खाना खिला रहे हैं और रूम का हालत देखो, अभी इसको ठीक करना है। अभी रात के 1 बज चुके हैं, मैं सोची थोड़ा सा आप लोगों से एक छोटा मोटा ही बनाई हूँ, उसको ही दे देती हूँ, कोई बात नहीं। और स्किन बहुत ही अंदर से रिफ्रेशिंग हो रहा है, फेस वॉश ने स्क्रब करके आ गई हूँ और अभी थोड़ा सा प्लम्पी प्लम्प अंदर से बहुत ही फ्रेशनेस से फील हो रहा है, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर किया तो अभी सोने तो आराम लगेगा, स्किन बहुत ही रिफ्रेशिंग फील हो रही है इसीलिए। और क्या है ना, डेली ब्लॉग देना, कंटेंट ढूंढना इतना आसान नहीं है, तो कभी कभी कुछ नहीं भी मिलता है और मैं आज किया नहीं, बहुत बिजी था तो कुछ नहीं दे पाई। तो कुछ नहीं देने से कुछ तो देना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत जो मैंने किया 2-3 मिनट के मैं देखती हूँ, जितना हो सकता है मैं दे देती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे और मतलब और भी ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मैं भी ट्राई करूँगी कुछ अच्छे से देने के लिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल रहा है। जो जिस तरह मैं डेली कुछ ना कुछ देने की ज़रूर कोशिश करती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी मिलता है मैं दे देती हूँ, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। बट हेयर में ऑयल लगाई हूँ, बहुत चिपचिपा सा लग रहा है, कोई बात नहीं, कल हेयर वॉश करना है तो इसलिए लगाया था बहुत ज़्यादा ऑयल। तो अभी मैं सोने जाऊंगी, सोने जाने से पहले मुझे कल के लिए थोड़ा सा छोटा मोटा ऐसे ही ब्लॉग रेडी करती हूँ, सोच रही थी, देखते हैं क्या। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू।